पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को व्यापारियों के साथ होने वाली मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक समीक्षा बैठक में बैठक करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करने के लिए व्यापारियों को आश्वस्त किया और बताया कि व्यापारियों से फेस टू फेस बात करके उनकी समस्याओं को सुनना, जानना और उनका निराकरण करना इस बैठक की प्राथमिकता होती है। मासिक समीक्षा बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा एवं एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, हमने अभी तक नोटिस किया है कैमरों के इशू में, कैमरे जो आप लगा दें वो रोड पे नहीं उससे काफी गलत है, नहीं तो कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। दूसरी बार आपको बात बता दूं कि आपका कैमरा कभी आपके काम नहीं, वो हमेशा किसी और के काम है, किसी और के कैमरे में ही आप यहाँ से जाने वाले देखेंगे। तो इसलिए अपना एक कैमरा अगर आप रोड की तरफ करके रखें, स्पेशली बगल वाले के ऊपर करके रखें, बगल वाला आपके ऊपर करके रखें, भगवान अगर आप यहाँ कुछ हो तो हर आदमी को पता है कि डीवीआर लेके जाए। ये वाला एक अनुरोध है आपसे कि एक दो कैमरा बाहर की तरफ जरूर लगाए, मतलब हमने अंदर वो देखे किस तरफ आया है, कौन सी गाड़ी से आया है, कौन सी गाड़ी से गया है, अगर बगल वाले के यहाँ कुछ किया किस तरफ भागा है, हमें वो सब जानकारी चाहिए कि आपके अंदर क्या रहा है, क्या उठा कर उससे हमें क्या रहना है, 10,000 ले गया कि 10,000 ले गया उससे तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, किस डायरेक्शन में गया है। ड्रोन कैमरा बुलेट कैमरा 500 रुपये का फर्क होता है, तो अगर बुलेट कैमरा कायदे की पिक्सल वाला लगा लें आप तो उससे कायदे से फुटेज आ जाए, हमारे लिए थोड़ी बड़ी वो हो जाती है स्थिति से वो एक बस ये एक अनुरोध था, बाकी आप सबसे मैं आके मिलता रहूँ बाजार। अभी ग्रुप पर बात होती रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा हो जाम रहता है, उसके बाद मीटिंग में कोतवाली में कई बार इस प्रश्न को उठाया गया लेकिन इस पर कोई ध्यान हुआ नहीं, इसके ऊपर कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोतवाली पुलिस जाती है, बोलती है, डांटती है, हट जाता है कि 10 मिनट के लिए फिर होता है, फिर लगा लेते हैं, जब तक उसको बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो जाम खत्म नहीं होगा। तो 10 चौराहे चिन्हित करके उसको क्लियर कराना सिर्फ 50 मीटर का प्रश्न है, ये टारगेट है क्योंकि चौराहे पे ही उसमें छुट्टी मिल जाएगा। उस एवरेज से हम पीछे हैं, हम आधे पर हैं, 125 पर हैं। इंडिया में जो पुलिस का एवरेज है वो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से आधा है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग बहुत सीमित क्षेत्र में हम लोग काम कर पा रहे हैं, बहुत सारे गली कूचे खाली हैं, खेत खलियान खाली पड़े हैं। आप कहते हैं बार बार ये छापा मारते हैं, कच्ची बंद ही नहीं होती है, तो बंद कैसे होगी? आपको लगता है थाने को सब पता है, कई बार थाने को नहीं पता होता। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सब कुछ पता ही हो जाए और जादू की छड़ी को सब कुछ सही हो जाए, और जैसे तपेबाजी होती पता है फोटो ये है, अब 100 करोड़ की जनता में कैसे ढूंढा गया 20 करोड़ में, हर तरह से सर्टिफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया गया। और बड़ा शहर है, मैं आपको बाकी आज बताऊंगा, मैं लेह में SSP रहा 2014 में, और अचानक से सितंबर के आई थिंक जुलाई के महीने में बहुत सारे मेरे पास कोई 25-30 लोग आए, जहाँ मेरा पैसा मेरा 25 निकल गया, मेरा 50 निकल गया, मेरा 70 निकल गया, और तकरीबन 18 लाख रुपए शहर में कोई 25-30 लोगों के निकल गए। जब जांच के लिए तो पता चला दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर में जो है तमाम ATM से निकला, बहुत हमने फिर वहाँ टीम भेजी तो फिर जाके तो आ गई फोटो, ये है जना। अब मुश्किल है कि इसको कहाँ से ढूंढेंगे दिल्ली और हरियाणा में। खैर बात अब किसी तरह 2-3 महीने हो गए, अक्टूबर में जा कर के हमें क्लू मिला फिर से, जब हमारा ही सिपाही एक जगह ATM निकाल रहा था देर में, तो उसको लगा कि ये बाहर जो दो लड़के खड़े हैं
ये जो है गड़बड़ लग रहा है। वो दौड़ा दौड़ा सीधे मेरे पास आया, बोला सर वो लग रहा है लैंड फिर से आया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 10 ATM पर चार चार सिपाही साधे हैं, 30-40 आदमी मैंने लगाए, फिर अगले दिन 24 घंटे बाद बोलो के पकड़ में आए, भाग दौड़ करके किसी तरह पकड़ में आए। और उनकी मॉडस ऑपरेंडी निकली कि वो हवाई जहाज का टिकट कटाते थे एज ए टूरिस्ट, लेह में आते थे, 3 दिन घूमते थे, एक ATM पे खड़े होकर 2 का नोट किया, अगले ATM पे खड़े होकर 3 का नोट किया, एक डायरी बना हुआ जिसमें 30-40 लोगों के पिन कोड। और वो क्या करते थे, एक छोटी सी जो आप होटल में जाते हैं तो आजकल लॉक करने के लिए कार्ड होता है ना, कार्ड रीडर, छोटा सा कार्ड रीडर है, वो उन्होंने मशीन पे लगाया, पूरी ड्रामा कर रहे हैं हमारा कार्ड नहीं चल रहा, भाई साहब आप चला दीजिए, आप देखिए आपका शायद निकल जाए, ठीक है। तो उसका कार्ड रीड हो गया, उसने पैसे निकाल लिए, तो बंदे ने खड़े होकर के उसका मासिक समीक्षा बैठक होती है जो व्यापार बंद होगी बैठक, आपको पता है सरकार के दिशा निर्देश, जिसमें हर महीने व्यापारियों के साथ एक बैठक होती है, उसकी तारीख इसी बैठक में निश्चित हो जाती है, जैसे अगले महीने की तारीख अभी निश्चित हो जाएगी। और व्यापारियों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनना, उनको जानना और उनकी निराकरण करना इस बैठक की प्राथमिकता होती है। तो इस दौरान आज इस बार भी नए नए मुद्दे आते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, और हम पूरी तरह से व्यापारियों के साथ हैं और व्यापारियों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। और हमने गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कवरेज बढ़ाई जाए, जैसा कि आपको ही पता है विकसित देशों में कानून व्यवस्था इसीलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ सर्विलांस सिस्टम बेहतर है। तो सर्विलांस तभी बेहतर होती है जब हम निगरानी व्यवस्था, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर तरह से अगर हम अपनी निगरानी व्यवस्था बढ़ा लेते हैं तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाता है। तो व्यापारियों ने भी हमें सहयोग देने का वादा किया है और हम भी पूरी तरह से व्यापारियों के साथ हैं, आखिरकार इकोनॉमी बढ़ेगी तभी सभी चीज़ें बढ़ेंगी।